अररिया में हो या भागलपुर में, ये महत्वपूर्ण विषय है। और आज कांग्रेस पार्टी के वहाँ के विधायक अजीत शर्मा जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसमें सभी विपक्ष के लोगों का हम लोगों ने समर्थन दिया। समर्थन इसलिए दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और जिस तरीके से हम लोगों को शुरू से अंदेशा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो इनका बस एक ही काम रह जाएगा, बीजेपी और नीतीश कुमार चुनाव हारेंगे तो हार को छुपाने के लिए बस एक ही एजेंडा काम आएगा कि समाज में जहर फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा कराओ, और जो भाईचारा, अमन, शांति, चैन का जो वातावरण है उसको बिगाड़ा। कल बड़ा हास्यास्पद लगा कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, ना तो वो भ्रष्टाचार के साथ है, ना वो जो समाज को बांटना चाहते हैं उनके साथ है। बड़ा हास्यास्पद रहा, कथनी और करनी में बड़ा अंतर। लगातार 36 घोटाले हो गए, सरकार का खजाना लुटवा दिया गया, और चोर दरवाजे से जो दंगाई हैं उनको सत्ता में ले आए और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है और समाज में जो जहर बोने का काम करते हैं उसके खिलाफ है। ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि लगातार जो आपके मंत्री से लेकर के लगातार इतने घोटाले हो गए, चाहे सृजन घोटाला, धान घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला,